मैं किसी रेस्टोरेंट पे नहीं हूँ और फूड ऑनलाइन सेल करती हैं। फेसबुक पर पेज बना हुआ है मार्वलस फूड के नाम से। एक गाजर का हलवा दिख रहा है जी, ये जो आप बिल्कुल ये स्पेशल मैंने बताया सर्दियों की मेरी स्पेशल डिश रही है। आइटम है जो मेरे आज का ऑर्डर किए थे। चिकन वन बाइट, आलू वन बाइट, दाल समोसा, दाल कचौरी, हमारी लखनऊ की डिश होती है ड्राई फ्रूट्स के लड्डू कहते हैं, बट रियल नेम इसका तीन दिन इंडिया के मौके पर होती है। वो जो टोकरे में लड्डू जाते होते हैं उस टाइप का। रेड बीन्स की चाट मौजूद है, बारबेक्यू स्पैगेटीज हैं, कबाब का कीमा बन चुका है, ये जो बच्ची बैठी थी इसने कीमा बना लिया है, मैक्रोनीज की बहुत डिमांड है, सही, बिरयानी की बहुत डिमांड है, शामी कबाब, कच्चे खेमे के कबाब, सही, और चिकन कोफ्ते, तो बहुत मुनासिब कीमत में बाहर बाजार के रेट से और मेरे रेट्स में जो मेरी चीज़ें। छोटा सा एक बिजनेस कर रही हैं, अगर आप लोग चाहें तो ये छोटा सा बड़ा भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आया हूँ एक ऐसा व्लॉग करने के लिए जो कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं किसी रेस्टोरेंट पे नहीं हूँ और सुकून से बैठ के मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो ये जो जगह है ये बेसिकली एक घर है और इस घर में यहाँ पर ये फूड का एक फेसबुक चलाती हैं और फूड ऑनलाइन सेल करती हैं। तो हम आए हैं इनकी व्लॉग करने के लिए और इनकी हेल्प करने के लिए। तो जब मैं हेल्प की बात करता हूं तो मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर के लिए कहता हूं आपको कि प्लीज़ 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 शेयर कीजिए कि ये जितनी वीडियोज़ होती हैं उनको भले ना करें। जब मैं किसी के लिए आया हूं तो आप भी कोशिश करें कि मेरे इस कार खैर में आप भी मदद कीजिए और शेयर कीजिए। तो क्या क्या चीज़ें करती हैं, इनके पास क्या क्या आइटम है, रेगुलर बेस पर क्या काम करती हैं, इनसे हम जानेंगे। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ 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 जितना हो सके शेयर कीजिए, शायद आपके एक शेयर से लोगों तक ये पहुंचे और इनका बिजनेस ग्रो हो। तो हम इनसे बात करते हैं कि क्या क्या बनाती हैं। चलिए जी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा मुझे ये बताइए कि आप क्या क्या आइटम्स बनाती हैं और किस तरीके से बिजनेस रन कर रही हैं, ज़रा इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए और अचीवमेंट आपकी क्या है तो थोड़ा सा डिटेल बताइएगा प्लीज़। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप कॉल करने पर मेरे यहाँ पर आए और थैंक यू वेरी मच, पेज को मेरे काम को अपने चैनल के थ्रू जो है आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, अल्लाह ताला कामयाबी दे आपको हम सबको। दूसरा मैं बताना चाहूँगी कि मैंने स्टार्ट जो लिया था एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है, चाट मसाला। चाट मसाला वो अभी है आपके पास तो जरा दिखा दीजिए वीडियो पे। ये जी ये चाट मसाला है और इससे स्टार्ट लिया था। इससे मैंने स्टार्ट लिया था, मुझे मेरा माइंड ऐसा नहीं था, था मुझे शौक, मतलब जो कहते हैं कि बचपन से कुकिंग और स्टिचिंग दो चीज़ों का मुझे शौक रहा। तो और अल्लाह का शुक्र मेरा बुटीक भी मैंने रन किया, उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें चलाईं और फिर मेरा चाट मसाला मैं रमज़ान में बनाया करती थी, बनाती हूँ बनाती थी, और जो मेरे रिलेटिव्स हैं जो मेरे सर्कल है उनको एज अ गिफ्ट में दिया गया। अच्छा बिजनेस, आपका बिजनेस चलाने का तरीक़ेकार क्या है, आप किस हिसाब से चला रही हैं? व्हाट्सएप पे चलाती हैं, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम, क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आप प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप ये काम कर रही हैं? बस बिल्कुल इसी तरह से जब मेरा बढ़ना शुरू हुआ
तो मैंने एक आइटम से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और जहाँ जहाँ गया डिमांड आती गई। प्लेटफॉर्म मेरा ये है कि मेरा फेसबुक पर पेज बना हुआ है मार्वलस फूड के नाम से, व्हाट्सएप पर है, ग्रुप बना हुआ है ब्रॉडकास्ट ग्रुप से कहा जाता है, इंस्टाग्राम पर है, तो ऑनलाइन ही मेरा है। इसके अलावा कोई ओकेजन होता है किसी के घर में, बर्थडे पार्टीज हो गए, छोटे फंक्शन हो गए, जैसे लाइट मेहंदी हो गई, वहाँ से मुझे होता है कि आप जो चीज़ें मेरी स्पेशल हैं वहाँ से मुझे ऑर्डर्स मिलते हैं, और वो एक चेन बनती चली जाती है, एक को पसंद आया फिर वो दूसरा, दूसरे से तीसरा। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप पूछना नहीं चाहिए, इसके अलावा कोई और काम आप सरंजाम दे रही हैं या 100% इसी पे रिलाय है आपका? नहीं, 100% तो इस पे नहीं है, मैं जॉब भी कर रही हूँ, मेरा फूड का भी है, और मेरा जिस तरह मैंने बताया कि क्लोथिंग का भी मेरा है। ठीक है, तीनों चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कि मैं लेके चलने की कोशिश कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट। अच्छा, आपकी अचीवमेंट अब तक क्या हुई है इस बिज़नेस को लेकर के, ये ज़रा थोड़ा सा बताइएगा, और कब से आप ये बिज़नेस कर रही हैं वो भी ज़रा बताइए ना। अचीवमेंट मेरी यही है कि एक छोटी सी चीज़ से लेकर मैं निकली और आज आप देख रहे हैं मेरी टेबल पे अभी चंद आइटम है। ठीक है, ये चंद आइटम है जो मेरे आज का ऑर्डर के थे, आज के ऑर्डर के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा काफ़ी आइटम्स हैं। सही, मेरा मेन्यू कार्ड आपसे मैंने शेयर किया है, मैं वीडियो पे इनका मेन्यू कार्ड आपको दिखा दूंगा ताकि जो है आपको इनका पता चल जाए कि ये क्या क्या आइटम बनाती हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जैसे ये आज आपने बनाया, तो पार्टीज़ वगैरह और इस तरह की जो इवेंट्स होती हैं आप कितने कर चुकी हैं, मैक्सिमम कितने पर जा चुकी हैं, कि कितने अफराद का आप बना चुकी हैं, 200, 150 इस हवाले से, और कहां कहां पर आपने बनाया? तकरीबन 2-2.5 साल हो रहे हैं मुझे काम स्टार्ट किए हुए। शुरू में तो इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि इतना मेरा सर्कल भी नहीं बढ़ा था, ना किसी को इतना पब्लिक हुआ हुआ था, लेकिन टाइम टू टाइम जो है वो, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत जल्दी ही कवर हो गया था क्योंकि कुछ चीज़ों का जायका ही उनको पसंद आ गया था, लोगों को जो चीज़ें गई उनके पास, तो उसके बाद फिर ऑर्डर मिलते चले गए। कुछ चीज़ें मेरी होती थी कि जो मैं उनको प्रोवाइड कर रही होती थी, और कुछ ऑन डिमांड होता था कि हमें ये चीज़ चाहिए, क्या आप बना के दे सकती हैं, हमारा ऑर्डर कर सकती हैं, तो डर डर के। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब क्योंकि आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप अगर फ़र्ज़ करें कि जी एक छोटी सी एक पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, उसमें 10-15-20 अफराद होते हैं, नॉर्मली बिरयानी का ऑर्डर दें या कढ़ाई का ऑर्डर दें, तो वो आप कवर कर सकती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल कवर कर सकती हूँ। सर्दियों की स्पेशल डिश मेरी गाजर का हलवा रही है। माशाल्लाह, पूरी सर्दियाँ मुझे यकीन नहीं था कि मेरा इतना ज़्यादा पसंद किया जाएगा। मैं ये तो नहीं पूछ सकते कि आपने क्या क्या डाला, जो घर की बात होती है वो सबको पता है घर में कितनी मेहनत होती है बनाने में, क्योंकि बाहर के लोग तो जो है वो एक अफराद काम नहीं कर रहा होता, उसमें टीम वर्क काम कर रही होती है, मगर घर में अकेले बंदा जब कर रहा होता है तो उस, मुझे भी आइडिया है, मेरे भी घर में जो है वो पकता है गाजर का हलवा तो काफ़ी टाइम लगता है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर कर सकती हैं आप, और इसका तरीक़ेकार फिर क्या होगा, मतलब आपको कितने दिन पहले कहा जाए कि जी आप ये ऑर्डर आपके पास 10 लोगों का या 20 लोगों का आया हुआ है, कढ़ाई गोश्त या जो भी जो आइटम होता है, तो कितने दिन पहले आपको कहा जाए? डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर और लोगों के ऊपर, अगर छोटी पार्टी है, कुछ लोग हैं, 5 से 10 लोग हैं, तो आप मुझे 2 डेज़ बिफोर भी दे सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी गैदरिंग है और 10-12 या 50 लोग, 40-50 लोग हैं इस तरह से, तो ऑलमोस्ट 3-4 डेज रखना होते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं तो ये किस तरीके से भिजवाती हैं या वो लेने आए हैं आपके पास, क्या तरीके का है आपका? बेसिकली तो मेरे पास राइडर मौजूद हैं, लेकिन सम टाइम कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम राइडर को नहीं करना चाह रहे हैं, हम खुद पिक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम, फिर वो आकर के मुझसे पिक कर लेते हैं, अदरवाइज ये कि मेरे पास राइडर अवेलेबल होते हैं वो होम डिलीवरी करते हैं। अच्छा, बेसिकली नंबर तो मैं उसमें दे दूंगा, आपसे पूछूंगा नहीं, लोकेशन में नहीं दे सकता क्योंकि ये घर है,
और यहाँ की मैं लोकेशन नहीं देना चाह रहा क्योंकि पब्लिक हो जाएगी। सेकंड ये है कि जी नंबर जो है वो आप इनके फेसबुक से ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, और वहाँ से आप लेकर के जा करके रिव्यू भी दे सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि जी आप अपने प्रोफाइल, अपने पेज, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इनकी वीडियो ये शेयर कीजिए, शॉर्ट करके शेयर कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, लोगों तक पहुँचेगा। और हेल्प कीजिए इनकी, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे इनका बिजनेस ग्रो होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये सब सारी चीज़ें बनाई हुई आपने, ये क्या क्या है ज़रा इसके बारे में भी ज़रा हम डिस्कस कर लें, तो आप ख़ुद से बता दीजिए क्या क्या चीज़ें। स्टार्ट मैं लेती हूँ फ्रोज़न आइटम से ले लेती हूँ, ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट लिया है रमज़ान स्पेशल ट्रॉली के नाम से, फेसबुक पे भी मेरे पेज पे आपको मिल जाएगा। इसमें सारे आपको फ्रोज़न आइटम्स मिलेंगे, जिसमें आपको चिकन वन बाइट, आलू वन बाइट, दाल समोसा, दाल कचौरी, बहुत सारे आइटम्स हैं, ठीक है। ये फ्रोज़न आइटम हो गए क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान में हर कोई चाहता है कि इबादत में टाइम ज़्यादा गुजारे और इन चीज़ों को साइड टाइम करते हैं, तो ये हमारा है कि ये फ्रोज़न आइटम में आ गया। सही। उसके बाद एक स्पेशल हमारे लखनऊ की डिश होती है, उसे हम कहते हैं, जी बिल्कुल, इसका नाम जरूर बताइएगा, टिंडिया। यहाँ के लोग इसको दोबारा बताएं थोड़ा आराम से, मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या बताएं। यहाँ के लोग इसको ड्राई फ्रूट्स के लड्डू कहते हैं, ठीक है, बट रियल नेम इसका टिंडिया। टिंडिया, 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 पी फॉर पाकिस्तान, टिंडिया, ठीक है जी। इसमें वैरायटी होती है दो तरह की। अच्छा, किस चीज से बनाया आपको? मैं वही बता रही हूँ आपको, ये एक दाल की होती है, मूंग की दाल, ठीक है, और एक मेरे पास वो मौजूद है सूजी की। इसमें ज़ाहिर है वो उसमें जो है ड्राई फ्रूट है तो काफी। अब ये टेस्ट आप कर कीजिए और बताइएगा कि कैसा है। ये हमारी स्पेशल डिश होती है, ये स्पेशल डिश है और ये हर उसमें चलती है, और खास तौर पर सर्दियों में तो ज्यादा ही। ये खास कर शादी ब्याह के मौके पर होती है, वो जो टोकरे में लड्डू जाते होते हैं उस टाइप का। मिठाई की जगह जो है मोस्टली हम लोगों की तरफ जो है वो ये चीज जाती है। सही। इसके अलावा आपके पास और क्या इस वक्त है मौजूद? इसके अलावा मेरे पास रेड बीन्स की चाट मौजूद है। सही। जो हर कोई आसानी से नहीं बनाता। सही कह रही है। इसके बाद मेरे पास बारबेक्यू स्पेगेटीज हैं। सही। ये इसका आप क्या नाम लेंगे? सिर्फ बारबेक्यू है? बारबेक्यू स्पेशल इसलिए दिया है क्योंकि जो इसमें चिकन है वो बारबेक्यू के मसाले से, और फिर और भी इसमें मसाले हैं, तो ये नॉर्मल स्पेगेटीज में शुमार नहीं है। नहीं है, इसलिए इसको मैंने इसका नाम जो है वो बारबेक्यू। इसमें ये मेरी अपनी इन्वेंट है, अपना मैंने मसाला डाला है। सही सही। और ये गाजर का हलवा दिख रहा है जी, गाजर ये का जो है, आप बिल्कुल, ये स्पेशल मैंने बताया सर्दियों की मेरी स्पेशल डिश रही है। सही सही। माशाल्लाह से इसके काफी, और मैं देख रहा हूँ कि उस साइड पे भी वो आपके ये बच्चों की डिमांड के मुताबिक टॉप पॉप्स हमने बनाए हैं। सही। और अब पेरेंट्स होते हैं ना कि वो उनको होता है कि हम अपनी चीजें तो ले लेते हैं, अब बच्चों के लिए बाहर से बेहतर है कि वो घर के ही जो है वो इस्तेमाल हो और साफ सुथरे हो। बिल्कुल। और ये आखिर में जी कबाब का कीमा बन चुका है, ये जो बच्ची बैठी हुई थी इसने कीमा बना लिया है, तो अब ये किस चीज के कबाब है जरा बता दीजिए? ये चिकन और आलू के हैं। चिकन और आलू के हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो आप मुझे बताइए कि बिजनेस तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला ग्रो करेगा ही, आप इसके अलावा आप और क्या क्या आइटम्स हैं जो आप बना सकती हैं, और अब तक क्या क्या आइटम बना चुकी हैं? मेरे पास से अब तो मुझे इस तरह याद भी नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल मैं आपको बता देती हूँ रनिंग आइटम में है वो चंद एक हैं। मैकरोनीज की बहुत डिमांड है, बिरयानी की बहुत डिमांड है, शामी कबाब, कच्चे कबाब और चिकन कोफ्ते, एक बीफ कोफ्ते होते हैं और एक चिकन, तो मेरे पास दोनों अवेलेबल हैं, क्योंकि ऑन डिमांड जो रनिंग आइटम है वो चिकन। व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर इन से मुखातिब होकर कुछ आप बात करना चाहती हैं तो बात कर सकती हैं, जो भी आपके इस बिजनेस के हवाले से ही कुछ कहना चाहती हैं। बिल्कुल, मैं अपने व्यूवर्स से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे पेज पर विजिट कीजिए और वहाँ से ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला जो भी आपका ऑर्डर होगा, आपकी गेट टुगेदर है, ऑफिस स्टाफ होता है, ऑफिस वालों को मैं कहूँगी कि आप लोग एक
प्लानिंग होती है कि फ्राइडे है या सैटरडे है, हमने गेट टुगेदर करनी है, पांच छह लड़के मतलब ऑफिस स्टाफ 10-12 मिल करके वो कहते हैं कि चलो आज हम लंच करते हैं बाहर से, तो वो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा बर्थडे पार्टीज़ हो गई, घर की दावतें हो गई, आए दिन दावतें हो रही होती हैं, छोटे शादी के फंक्शन हो गए इस तरह के, तो ट्राई कीजिए, विज़िट कीजिए, ट्राई कीजिए। रमज़ान करीब करीब है तो उसमें आपको फ्रोज़न आइटम बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत वैरायटी है मेरे पास। तो वही वाली बात हो गई कि रमज़ान में हर कोई चाहता है कि ज़्यादा टाइम से बात करते हैं और खाने पकाने में अपना टाइम ज़ाया ना करें, तो बहुत मुनासिब कीमत में बाहर बाज़ार के रेट से और मेरे रेट में जो मेरी चीज़ें हैं बहुत कम है। एक दफ़ा ट्राई कीजिए, पसंद नहीं आए, रेट ज़्यादा लगे तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, समझ में आ जाए, पसंद आ जाए तो लाइक कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है वो फेसबुक पे मिल जाएगा, ये बता दीजिए। बिल्कुल, मेरा नंबर व्हाट्सएप का मेरे फेसबुक पे मेरे पेज पे मौजूद है और लोगों के साथ मेरा मेन्यू कार्ड भी मौजूद है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। राइडर के थ्रू आपको डिलीवरी हो जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है। ऑल ओवर कराची, ऑल ओवर पाकिस्तान जो है मेरी चीज़ें जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स, हम यहाँ आए और यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि जी ये छोटा सा एक बिज़नेस कर रही हैं, अगर आप लोग चाहें तो ये छोटा सा बड़ा भी हो सकता है, सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं, बहुत सारा कुछ होता है, एक छोटे से घर में इन्होंने अपने एक फूड का एक जो है वो पेज बनाया और काम करना शुरू किया। बिज़नेस करना चाह रही हैं, ग्रो कीजिए, अल्लाह पाक इनके बिज़नेस को और ग्रो करें। अभी भी चल रहा है, ये नहीं है कि नहीं चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो इन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया कि जी आप आइए और ब्लॉग कीजिए, हमने ब्लॉग किया है, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए या क्लिप्स को शेयर कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि मुझे दिखाएं, आप अपने एक पिक्चर लगा करके भी आप उसमें रिटर्न करके भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जैसे आपको दिल चाहे वो आप कीजिए। तो आपको आइटम भी दिखा दिए मैं, इनके जो है वो कुछ पिक्चर्स हैं वो भी मैं वीडियो डाल दूंगा, फेसबुक का पेज का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, सॉरी टू से, मगर मैं नंबर नहीं दे सकता, नंबर आपको फेसबुक से मिल जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप पेज पे विज़िट कीजिए और इनका पहले पेज विज़िट कर लीजिए, ताकि आपको इत्मीनान हो जाए, मुतमईन हो जाए कि कस्टमर रिव्यूज़ आए हुए होंगे वहाँ पर। तो बेहतर है कि आप पहले विज़िट कीजिए और वहीं से आप नंबर ले लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन लाजमी दबा लीजिए। बेल आइकन बहुत सारे लोग नहीं दबाते हैं, सब्सक्राइब भी कर लेते हैं मगर बेल आइकन नहीं दबाते, तो उन तक हमारी वीडियो वक्त पे नहीं पहुंचती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।